अगर वो कहीं हो जाता है तो बंदे सोचते हैं ये उसकी तरह कर रहा है या उसकी कॉपी कर रहा है। हाँ तो भाई, क्या हाल है सबके? उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया ही हो गया यार, क्योंकि आजकल दिल्ली में मौसम ही इतना बढ़िया हो रखा है। डेली बारिश हो रही है, दबादब रोडों पे पानी भरा हुआ है, कोई रोड खाली नहीं छोड़ी, सब जगह पानी पानी है, कीचड़ पानी कीचड़। लेकिन ऊपर बादल रहते हैं तो उससे धूप नहीं होती, तो काफी अच्छा मौसम होता है। और आज भी बड़ा सही मौसम हो रखा है, एकदम सेट है, पहले से बारिश होने की चांसेस है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मुझे निकलना है कोचिंग के लिए वैसे तो, लेकिन मैंने मोटो ब्लॉगिंग के लिए एक नया जुगाड़ सोचा है जो मैं आज ट्राई करूंगा। मतलब इट्स अ न्यू एक्सपेरिमेंट जो आज ट्राई करेंगे, अगर वो हो जाता है तो बढ़िया है, क्योंकि ज्यादा नहीं पर कभी कभी तो अपने मोटो ब्लॉगिंग करते ही है ना, तो उसके लिए एक ऐसा जुगाड़ चाहिए जिससे कि मोटो ब्लॉगिंग करते हुए मैं बात भी कर सकूं। माइक मेरे पास है नहीं मोटो ब्लॉगिंग वाला, तो मैंने सोचा एक नया जुगाड़ अगर वो काम कर गया ना तो वही मजा ही आ जाएगा। तो अभी भी बाहर जाए तो देख लो, इतना सही मौसम हो रखा है और ये बालकनी से दिख रहा है और बाहर पूरे अच्छे से एकदम छाया ही छाया है हर जगह, कोई धूप का नामो निशान नहीं है। और मुझे लगता है पूरे दिन आज ऐसे रहने वाला है, ऊपर इतने सही बादल हो रखे हैं, तो ऐसा मौसम तो यार हर किसी दिल्ली वाले को चाहिए होता है ना। और दिल्ली वालों के तो पक्का मजे होंगे ऐसे टाइम पे, क्योंकि इसी मौसम का तो इंतजार होता है यार, सर्दियों का और इसका। कुत्ते को भी अभी भौंकना था, मैं जब ब्लॉग ना करूँ ना पूरे दिन कुत्ते शांत रहेंगे, मैं ब्लॉग करूंगा कुछ ना कुछ होना ही है, कुत्ते भौंकेंगे कभी कुछ। तो दिल्ली वालों के तो मजे हैं यार, उनको ऐसे मौसम का इंतजार होता है। जरूरी नहीं है कोई अपने काम पे गया हो, कोई सीपी घूम रहा होगा, कोई हौजकास घूम रहा होगा। तो अभी मैं पहले नहा के आता हूँ और उसके बाद बताता हूँ आगे का सीन। तो अब कुछ ठीक लग रहा है, नहा के बड़ा फ्रेश लगता है ना, तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये अपना गोप्रो यहाँ पे चार्ज हो रहा है और थोड़ी देर में चार्ज हो जाएगा, और जैसे ये चार्ज होता है उसके बाद निकलते हैं और मिलते हैं सीधे बाइक पे। तो भाई थोड़ी देर के लिए मुझे लग रहा है ये खाली रोड मिल चुकी है। हाँ, और आज तो मैं कोचिंग के लिए भी लेट हो गया अपनी, लेकिन कोई नहीं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, क्योंकि कोचिंग क्या किसी भी जगह जाना हो ना मैं लेट ज़रूर होता हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ काम ऐसे। अब जैसे यही कैमरा वगैरह सेट करने के बहाने मारता रहता विनय, बस और कोई काम नहीं है। विनय भाई बहाने कम मारा करो, जल्दी निकला करो, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, लेट हुआ आप। तो थोड़े रोड थोड़ा खाली है यहाँ पे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये ट्रैफिक ही है, ये रोड खाली, ये जो इतनी रोड खाली दिख रही है ना ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना यहाँ ट्रैफिक रोड खाली नहीं मिलती। यहाँ हमेशा भीड़ ही रहती है, एक के आगे एक लगे रहते हैं सारे। बस मेरे को तो ये है कि मेरा ये एक्सपेरिमेंट काम कर जाए और फिर तो अपनी बल्ले बल्ले है, फिर तो मुझे अलग से माइक भी नहीं खरीदना पड़ेगा, मेरा इसी जुगाड़ से काम चल जाएगा आराम से मोटो व्लॉगिंग का। क्योंकि एक्शन कैमरा के लिए, गोप्रो के लिए, किसी भी एक्शन कैमरा के लिए एक माइक एडेप्टर लेना पड़ता है, माइक होना पड़ता है, सारा सिस्टम खरीदना पड़ता है, तब जाके एक सेटअप तैयार होता है। लेकिन अब सेटअप तैयार करने के लिए अभी तो मेरे को सही लग नहीं रहा, अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले थोड़ा जुगाड़ ही कर लूँ अपने दिमाग से। तो ये चीज़ अगर वर्क कर जाती है तो फिर तो अपनी बल्ले बल्ले शावा शावा ट्रैफिक आ गया। और थोड़ा बहुत ट्रैफिक दिल्ली में इस टाइम ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि कांवड़ियों का टाइम चल रहा है, ये जो पानी लेने के लिए जाते हैं तो हर जगह उनकी सुविधा के लिए लगाए हुए हैं टेंट, खाना पीना रह लो चाहे एक रात रुक लो फिर अगले दिन पैदल चलो, बेसिकली पैदल चलते हैं ये, और पैदल चलते हुए जाते हैं पानी लेने के लिए, गंगा जल और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए। बाइक की आवाज़ सुनो यार थोड़ी, मतलब डोमिनार भी कम नहीं है आवाज़ में। सही में डोमिनार भी कम नहीं है कुछ आवाज़ में, आवाज़ इसकी भी अच्छी है, मतलब एग्जॉस्ट। बस ज़्यादा तेज़ नहीं चलाने का, 90-100 इतना से ऊपर नहीं जाने का भाई, बाइक कितनी भी अच्छी हो पर ट्रैफिक में कंट्रोल करके रखने का, समझ आ रही ना आप लोग को अपन क्या बोल रहे ला है, अपने दिमाग में बिठाने का, मचाएंगे। जिसे बाइक नहीं चलानी आती उसे भी सिखाएंगे।
अपने को पहुंचना है। अरे ट्रैफिक वाले अंकल कैसे हो? सब बढ़िया। तो अभी अपने पहुंच चुके हैं लक्ष्मी नगर और कोचिंग ख़त्म होती है। जब कोचिंग ख़त्म होती है उसके बाद मिलते हैं, क्योंकि कोचिंग के अंदर थोड़ी ब्लॉक करूंगा भाई, तो इसके बाद बात करते हैं, ठीक है? बाय बाय, मतलब बाय बाय नहीं, मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ बिल्कुल, होपफुली उस टाइम पे बारिश ना हो रही हो, क्योंकि मुझे बाइक चलानी है ना। तो कोचिंग हो चुकी है ख़त्म और कोचिंग के जस्ट बगल में ही है V3S मॉल, जहाँ पर अभी मैं खड़ा हुआ हूँ। और मैं मॉल इसलिए आया था क्योंकि इस टाइम पे मौसम इतना सही हो रखा है ना। वैसे अभी दिखाने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और वो एक चीज़ ये है, मौसम। मतलब इस टाइम इतना ज़बरदस्त मौसम हो रखा है ना, ऊपर बादल काले हो रखे हैं अच्छे खासे, और इस टाइम इतना मस्त मौसम हो रखा है। टेम्परेचर भी थोड़ा डाउन हो चुका है, ठंडक आ चुकी है हल्की सी मौसम में। और लेकिन इन सब बातों को अगर हटाएं तो मेरे को एक ज़रूरी बात करनी है आपसे, जो यहाँ पर नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे चैं दिख रही होगी आपको, क्योंकि ये पीछे रेड लाइट है मेरे, यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह पी पी करती हुई निकलती हैं, तो बात हो नहीं पाती ढंग से। तो बाइक पे चलते हैं, बाइक पे करेंगे बात, बाइक चलाते टाइम आराम से, और उसके बाद अगर बैटरी लो हो गई एक्शन कैमरे की, तो फिर बैटरी लो होने के बाद बाकी बातें आराम से बैठ के करेंगे। जल्दबाजी में हमेशा काम ख़राब होता है, और ये अभी मेरे साथ हुआ है। मैं कोचिंग जाते टाइम लेट हो रहा था, इसलिए जल्दबाजी में मैं पावर बैंक लाना भूल गया, और एक्शन कैमरा की बैटरी ज़्यादा चलती नहीं है, और जाते टाइम तो अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अब वापस आते टाइम बैटरी एकदम लो हो चुकी है इसकी। ऑन तो हो रहा है लेकिन बैटरी लो। मुझे लगा था मैं मोटर ब्लॉग करते टाइम आप लोगों से बात कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा सोचना जब सही था ना, जब मैं कैमरे की बैटरी चेक कर लेता, अब बैटरी लो हो गई। तो फाइनली मैं अभी आ चुका हूँ घर, और इतना गंदा ट्रैफिक था यार, कहीं रास्ते में रुकने का मन ही नहीं किया। अभी ऊपर जाता हूँ, थोड़े फ्रेश व्रेश होता हूँ, मुंह धोता हूँ, उसके बाद करता हूँ आप लोगों से बात, ठीक है? सही है। हाँ भाई, तो अभी मैं फाइनली आ चुका हूँ घर, और जो इतनी देर से मैं बोल रहा था ज़रूरी बात करनी है, वो बात करने का टाइम अब आ गया है। तो व्हेन आई स्टार्टेड दिस चैनल तो मेरे को उस टाइम पे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स थे जिनसे मैं इंस्पायर्ड था। काफ़ी टाइम पहले मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था, तब मुझे फेसबुक पे मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे कमेंट आया था, मेरे ही एक दोस्त का कमेंट आया था, फुल ऑन गौरव तनेजा एक्सेंट। और गौरव तनेजा सर की मैं बता देता हूँ जिसे नहीं पता है, कि उनका एक चैनल है फ्लाइंग बीस्ट, जो पायलट हैं और ब्लॉगर भी हैं। तो उनका चैनल मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, वीडियोज भी काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, और काफ़ी इंस्पायर्ड भी हैं उनसे, क्योंकि उनसे मैं ही नहीं, काफ़ी सारे लोग इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क वो करते हैं। तो मेरे को ये चीज़ जब देखने को मिली, तो मुझे सच बताऊँ तो कुछ ऐसा बुरा नहीं लगा कि हाँ यार इस किसी ने मुझे ये बोल दिया कि मैं उसकी तरीके से ये चीज़ कर रहा हूँ। मेनली बात तो यही हो गई ना, लेकिन मतलब उनका एक्सेंट मेरे अंदर है, या मैं उनके एक्सेंट की तरह बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे अंदर ये चीज़ होती ना, तो मैं उस चीज़ के बारे में सोचता नहीं, और ना मैं आप लोगों से बात करता। लेकिन जब मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है, क्योंकि कहाँ वो यार फ्लाइंग बीस्ट है, वो कहाँ हम, तो हम कैसे सोच सकते हैं। तो मेरे को अब जाहिर सी बात है, कोई नया बंदा अगर किसी चीज़ में आता है, तो उसको जो पहले से सक्सेसफुल लोग होते हैं, जिससे वो लोग इंस्पायर्ड होते हैं, वो सोचते हैं कि जो नया बंदा आया है वो उसे भी अपने इंस्पायर्ड वाले बंदे की तरह देखने लग जाते हैं, कि अच्छा वो बंदा ऐसे कर रहा है तो ये बंदा भी ऐसे कर रहा है, मतलब इस तरीके से रिलेट करने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जो बंदा कर रहा है खुद वो चीज़, जो पहले ही सक्सेसफुल एक बंदा करता आ रहा है शुरू से, वो उससे इंस्पायर्ड है। लेकिन जब तक वो इंस्पायर्ड है, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढेगा कि कुछ ना कुछ अपने व्लॉग में भी वो ऐसा कर दे कि जो, बाय द वे फैन चला लेना चाहिए था, चलो ठीक है कोई नहीं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हो आराम से, लेकिन हर चीज़ तो नहीं हो सकती ना यार।
तो अब जिस जिन लोगों से जिन ब्लॉगर से मैं इंस्पायर्ड हूँ, मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ, तो उनकी वीडियोस जैसा अगर मेरी वीडियो में कहीं कुछ हो जाता है या किसी तरीके से बात कर लूँ, बाइक चला लूँ, मजे ले लूँ, जो भी है, अगर वो कहीं हो जाता है तो बंदे सोचते हैं ये उसकी तरह कर रहा है या उसकी कॉपी कर रहा है। ये मेनली ज्यादातर मैंने देखी है यूट्यूब पे, ये चीज होती है बहुत। सब लोग मतलब एक दूसरे से रिलेट करने लग जाते हैं या फिर एक कॉम्पिटिशन, वो ब्लॉगर खुद भी नहीं सोच रहा होगा लेकिन और जो लोग हैं वो आ जाते हैं कि भाई एक कंपटीशन सा बना देते हैं उसके बीच में, जबकि ऐसा सही भी नहीं है, गलत है ये चीज, ये एक गलत कल्चर को प्रमोट करता है। बस मेरे को ये चीज लगी नहीं थी, मैंने कहा यार ये चीज बतानी बहुत जरूरी है कि इसे एक्सेंट चुराना या किसी का कंटेंट कॉपी करना नहीं कहेंगे, इसे ये कह सकते हैं कि आप उनसे इंस्पायर्ड हैं, आप उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हैं। हिंदी में वही इंग्लिश वर्ड को हिंदी में बोल दिया मैंने और कुछ नहीं, और कोई वर्ड्स मेरे पास आ नहीं रहे अभी मेरे मन में। मैं कॉपी नहीं समझता, ना ही इसे मैं किसी भी चीज की चोरी समझता हूँ उनके कंटेंट की। मैं ये समझता हूँ कि भाई मैं इंस्पायर्ड हूँ उनसे, और इंस्पिरेशन अगर वो है हमारी तो हम उनके जैसा उनसे सीख करके कुछ कर पा रहे हैं। ऐसा एक दूसरे से सीख के सब कुछ ना कुछ करते हैं, खुद से बहुत कम लोग होते हैं जो कर पाते हैं, सब एक दूसरे से सीखते हैं। तो बस इतनी बात करनी थी, इतनी बात बहुत होती है यार, बल्कि ये भी बहुत ज्यादा हो गई। और बस आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आज कि मैंने मौसम मौसम को ज्यादा नहीं कर दिया अपने ब्लॉग में, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हो गया तो हो गया।